press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं आज MIA1 का कंपैरिजन करने वाला हूँ हवावी के आने वाले डिवाइसेस के, जो कि जनवरी के मिड यानी तो एंड ऑफ द जनवरी में आने वाला है, जिसका नाम है ऑनर 9 लाइट। इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा डिवाइस ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा डिवाइस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कौन सा डिवाइस आपको आने वाले 2018 के महीनों में आपको डिवाइस लेना चाहिए अगर आप 12 से 13 हजार के अंडर में कोई डिवाइस लेने वाले हैं। शाओमी MIA1 अभी 12,999 यानी कि 13,000 रुपए का फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है ऑफिशियली। और आपका जो ऑनर 9 लाइट जो लोवेस्ट वेरिएंट होगा, 3 GB रैम और 32 GB वाला स्टोरेज, आपको जनवरी में 11,700 का अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। तो अगर प्राइस वाइज देखें तो आपका ऑनर 9 लाइट थोड़ा सस्ता आएगा जबकि MIA1 थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। वो चीजें बताऊंगा जो इन दोनों डिवाइसेस को अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, मैं उस चीजों को कवर करूंगा। चलिए बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो इन दोनों डिवाइसेस को अलग बनाती है, वो है इसका डिस्प्ले। तो अगर मैं MIA1 के डिस्प्ले की बात करूं तो ये आपका 5.5 इंच का आता है फोन। इसके अंदर आपको 16:9 का डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, यानी कि उसके अंदर वो वाला फैक्टर नहीं है, बेजललेस फैक्टर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसके ऊपर नीचे साइड में आपको मोटे मोटे बेजल देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके रेजोल्यूशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन आता है, यानी कि 1920x1080 का रेजोल्यूशन आता है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 403 का PPI देखने को मिल जाता है, यानी कि पिक्सल पर इंच। अगर हम इसके बॉडी डिजाइन की बात करें तो ये एल्युमिनियम बॉडी के साथ आ जाता है और इसके फ्रंट में आपको कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल जाता है। और मैं बता दूं कि ये डिवाइस आपका हाइब्रिड डुअल सिम के साथ आता है, यानी कि अगर आप एक सिम या नहीं तो आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज एक SD कार्ड लगा सकते हैं या नहीं तो आप 2 सिम लगा सकते हैं। तो ये था डिस्प्ले सेक्शन या बॉडी डिजाइन की बात करें तो MIA1 के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करने वाला ऑनर 9 लाइट के डिस्प्ले के बारे में। बता दूं कि ऑनर 9 लाइट जो है आपका 5.65 इंच का आता है। इसके अंदर आपको 18:9 का डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो आता है, यानी कि इसके अंदर आपको ऊपर नीचे साइड में बेजल कम देखने को मिलेंगे, स्क्रीन साइज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके रेजोल्यूशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि 2160x1080 का रेजोल्यूशन है। और अगर मैं इसके पिक्सल डेंसिटी की बात करूं तो ये आपका 428 पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। और अगर मैं इसके बॉडी डिजाइन की बात करूं तो इसके अंदर आपको पूरे एल्युमिनियम की बॉडी देखने को मिलेगी और इसके साथ आपको ग्लास की कवरिंग भी देखने को मिलेगी, लेयरिंग पीछे भी और फ्रंट में भी। तो ये काफी बोनस पॉइंट हो जाता है। इसके अंदर आपको हाइब्रिड डुअल सिम मिलेगा, यानी कि या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं या नहीं तो 1 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस को डिस्प्ले वाइज में अलग क्या बनाता है। डिस्प्ले वाइज में आपका जो ऑनर 9 लाइट है ये ज्यादा स्क्रीन में बड़ा है। इसके अंदर आपको 18:9 का वो फैक्टर यानी कि बेजललेस फैक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि 2018 का ट्रेंड रहेगा ज्यादातर स्मार्टफोन में। इसके अंदर आपको एल्युमिनियम की बॉडी तो मिलती है, साथ में आपको ग्लास की कवरिंग भी मिल जाती है। आपको रेजोल्यूशन MIA1 से ज्यादा अच्छा मिल रहा है, पिक्सल डेंसिटी यानी कि PPI आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो अगर हम डिस्प्ले या बॉडी डिजाइन की बात करें तो आपका ऑनर 9 लाइट क्लियर विनर है, जहां पे आपका MIA1 कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फैक्टर के बारे में जो इन दोनों डिवाइसेस को अलग बनाता है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो MIA1 कैमरे के सेक्शन में अगर हम इसको कंपेयर करें ऑनर 9 लाइट से, तो आपका जो MIA1 का जो बैक कैमरा है ये डुअल कैमरा के साथ आता है और डुअल में आपका 2-2 12 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है। जी हाँ, 1 12 मेगापिक्सल जो है आपका 2.2 अपर्चर के साथ आता है, जबकि आपका दूसरा लेंस जो है पीछे ही 12 मेगापिक्सल का वो 2.6 अपर्चर के साथ आता है। और अगर हम ऑनर 9 लाइट के बैक कैमरा को देखें तो ये भी डुअल कैमरा के साथ आता है, पर इसके अंदर एक कैमरा यानी कि एक लेंस जो है वो 13 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है और पीछे ही साइड में अगर आपका दूसरा लेंस जो है वो 2 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है। तो यहां पे f-stop ज्यादातर ऑनर 9 लाइट का मेंशन नहीं है कि f-stop या अपर्चर कितना है, पर अगर देखा जाए पिक्सल वाइज तो आपका MIA1 क्लियर विनर है बैक के कैमरा को अगर हम कंपेयर करते हैं। और अगर हम फ्रंट के कैमरा को देखते हैं दोनों डिवाइसेस के, तो MIA1 का फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल आता है, जहां पे आपका ऑनर 9 लाइट फ्रंट कैमरा में दो कैमरा आता है, एक आपका 13 मेगापिक्सल दूसरा आपका 2 मेगापिक्सल। तो फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा को कंपेयर किया जाए तो यहां पे आपका ऑनर 9 लाइट क्लियर विनर है। अगर आप बैक कैमरा को देखें तो इसमें MIA1 क्लियर विनर है।
तो इस कैमरा सेक्शन में हम दोनों डिवाइसेस को अलग कैसे करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फोटो आउटडोर फोटो खींचना ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी या नॉर्मल फोटोज खींचने में ज्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो आप MI A1 के साथ है, क्योंकि आप ज्यादातर बैक कैमरा यूज करेंगे और बैक कैमरा MI A1 का काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने खुद इसका सैंपल देखा है, मैंने पर्सनली यूज किया है। अगर आप सेल्फी ज्यादा कॉन्शियस है, आपको सेल्फी लेना होता है हर वक्त, आप हमेशा सेल्फी लेना चाहते हैं अपने साथ, ग्रुप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, तो आप यहाँ पे ऑनर 9 लाइट को लेके जा सकते हैं। दोनों फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका ऑनर 9 लाइट के अंदर 4 कैमरा आता है जो कि आपको ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस देता है, जबकि MI A1 के अंदर आपको 3 कैमरा आता है पर बैक में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है कैमरा वाइज, जो कि ऑनर 9 लाइट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अब हम इसके तीसरे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इन दोनों डिवाइसेस को अलग बनाता है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो MI A1 है, ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 के साथ, वहाँ पे आपका ऑनर 9 लाइट आता है हाई सिलिकॉन फ्रेम 659 के साथ। तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ बताऊँ सिंपल भाषा में, तो आपका ऑनर 9 लाइट प्रोसेसर वाइज ज्यादा अच्छा है, MI A1 कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, पर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, प्लीज आप इसको ढंग से समझिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, तो काफी लोगों ने कुछ क्वेश्चन रेज किया था, तो मैं उनके क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपका जो ऑनर 9 लाइट है, इसके अंदर क्लॉक स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होता है, जो कि 625 में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। क्लॉक स्पीड फास्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ज्यादा क्लॉक स्पीड ज्यादा होगा, यानी कि आपका ऐप खुलेगा बंद होगा ज्यादा जल्दी, इसके अंदर आपकी ब्राउजिंग काफी अच्छी होगी, गेम अच्छा खेल पाएंगे, तो जिसमें कहीं ना कहीं 600 थोड़ा आगे रह जाता है, 625 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर हम इसके GPU की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि 659 आपका 900 MHz के साथ आता है, यानी कि इसके अंदर हाई ग्राफिक्स ऐप या हाई ग्राफिक्स गेम आप इजीली खेल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं 625 पीछे रह जाता है। तो इन सेक्शन में आपका ऑनर 9 लाइट क्लियर विनर है, जहाँ पे MI A1 कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब मैं आपसे ये बताने वाला हूँ, दोनों ही चिप जो है बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 659 बहुत अच्छा है, 625 बेकार है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 625 भी अच्छा है, 659 भी अच्छा है, पर मैं बता दूं कि इन दोनों का चिप बेसिकली यूज कहाँ पे होता है। हाई सिलिकॉन किरिन 659 जो चिप है, ये ज्यादातर उस स्मार्टफोन में यूज किया जाता है जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होनी, यानी कि ज्यादा अच्छा फोन आपका परफॉर्म करे, वहां पे ये चिप यूज किया जाता है। भले बैटरी आपकी ज्यादा खाए, बैटरी ज्यादा फूके, पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे। मैं आपको बता दूं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 आपको एवरेज परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल एवरेज दे देता है, पर इसके अंदर आपका जो बैटरी है वो कम खर्च होता है, यानी कि ये बेसिकली उस स्मार्टफोन में यूज किया जाता है इसका चिपसेट, जहाँ पे परफॉर्मेंस से एवरेज हो, बट आपका मेन फोकस इसका होता है एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि कम बैटरी को खर्च करना, ज्यादा एनर्जी बचाना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों चिप का काम अलग अलग है। 659 का काम है कि आपको परफॉर्मेंस आपका मेन प्रायोरिटी है, भले बैटरी ज्यादा खाए। 625 का काम है कि एवरेज परफॉर्मेंस भले एवरेज दे दे, पर आपका बैटरी हमेशा बचाएगा। तो ये दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर मुझे चूज करना पड़े, मैं अपना हाई परफॉर्मेंस को ही देखूंगा, और ज्यादातर अक्सर लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, बैटरी थोड़ा उतना नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे भी चिपसेट वाइज देखा जाए, चिप वाइज CPU GPU वाइज देखा जाए, तो आपका हाई सिलिकॉन किरिन 659 खड़ा उतरता है, जहाँ पे 625 कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। मैं आपको इसे सिंपल कहना चाहता हूँ कि आप एनर्जी बचा के करिएगा ही क्या, जब आपका फोन उतना फास्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना आप चाहते हैं। अब मैं चौथी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो इन दोनों डिवाइसेस को अलग बनाती है, वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि आपका जो MI A1 है, ये आता था एंड्रॉइड नूगट के साथ, पर अभी कुछ टाइम के बाद आपका जो MI A1 है, ये एंड्रॉइड ओरियो आने लगा है। ज्यादातर फोनों में एंड्रॉइड ओरियो दिखने लगा है, जिसमें काफी ज्यादा चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ऑनर 9 लाइट आपका बॉक्स के अंदर से ही एंड्रॉइड ओरियो के साथ आता है, यानी कि आपको इसमें अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि MI A1 जो है, ये बिल्कुल टॉप एंड्रॉइड के साथ आता है, जबकि आपका ऑनर 9 लाइट के ऊपर यूजर इंटरफेस यानी कि स्किन वर्जन यूज होता है हवावी का। अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड के फैन है, तो आपको MI A1 के साथ जाना चाहिए। अगर आपको मतलब कि एक अच्छा स्किन वर्जन चाहिए एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर, तो आप यहाँ पे हवावी ऑनर 9 लाइट के साथ जा सकते हैं। अब मैं इसके पांचवें चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि इसका लास्ट चीज है जो इन दोनों डिवाइसेस को अलग बनाता है। तो बता दूं कि आपका MI A1 जो है, ये 3080 mAh बैटरी के साथ आता है, जबकि आपका
ऑनर 9 लाइट 3000 mAh बैटरी के साथ आता है। मैं मानता हूँ कि दोनों डिवाइसेस की बैटरी को देखे तो ज्यादा फर्क नहीं है, कहीं ना कहीं ठीक है आपका, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों डिवाइसेस में से किसी के साथ जा सकते हैं क्योंकि बैटरी फैक्टर में उतना डिफरेंस नहीं है। 80 mAh आपको कोई ज्यादा ह्यूज मार्जिन का गैप नहीं देगा, फीचर देगा, तो मैं मानता हूँ कि बैटरी वाइज में आपको काफी ज्यादा सिमिलर है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे एडिशनल फीचर बताना चाहता हूँ जो एक डिवाइसेस के अंदर है, दूसरे डिवाइसेस के अंदर नहीं है। मैं बता दूं कि Xiaomi Mi 11 के अंदर आपको जायरो देखने को मिलता है जो आपको Honor 9 Lite के अंदर नहीं मिलता है। दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट है, मैं बता दूं कि आपका Mi 11 टाइप सी के साथ आता है पर बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, आपको फास्ट चार्जर सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो आपका बेनिफिट है कि आपका Mi 11 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहां पे आपका Honor 9 Lite फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। ये यूएसबी माइक्रो यूएसबी 2.0 के साथ आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका Mi 11 थोड़ा सा एक स्टेप आगे होता है जहां पे Honor 9 Lite कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका दोनों ही डिवाइसेस एक्सपेंडेबल स्टोरेज यानी एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, पर आप Xiaomi का Mi 11 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं जहां पे Honor 9 Lite को आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट थे जो इन दोनों डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा यूनिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया, दोनों डिवाइसेस को कंपेयर कर दिया, तो आप दोनों डिवाइसेस को देख सकते हैं कि क्या आपके लिए डिस्प्ले प्रायोरिटी है। अगर डिस्प्ले प्रायोरिटी है तो आप Honor 9 Lite के साथ जाइए, अगर उतना प्रायोरिटी नहीं है तो आप Mi 11 के साथ जा सकते हैं। अगर आपके लिए चिपसेट ज्यादा मेन प्रायोरिटी रखता है तो आप Honor 9 Lite के साथ जाइए, और अगर आपको ज्यादा अच्छी बैटरी बचानी है, परफॉर्मेंस आपको एवरेज मिल जाए, तो आप यहाँ पे Mi 11 के साथ जा सकते हैं। मैंने उसी तरीके से कैमरे बताया कि अगर आपको कैमरा पीछे से बैक कैमरा से फोटो लेनी है तो आप Mi 11 के साथ जाइए, अगर आपको सेल्फी ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे Honor 9 Lite के साथ जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बताया कि अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के फैन है तो आप Mi 11 के साथ जाइए, अगर आपको कोई इतने बड़े फैन नहीं है, आपको एक स्किन वर्जन मिला आप यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे Honor 9 Lite के साथ जा सकते हैं। वैसे लास्ट चीज मैंने बताया कि दोनों के अंदर बैटरी सिमिलर है, तो बैटरी वाइज आपको कोई इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। जैसे कि जायरो है आपका, यूएसबी टाइप सी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये Mi 11 के अंदर मिलता है जो कि आपको Honor 9 Lite के अंदर नहीं मिलता है। तो इन दोनों डिवाइसेस में से चूज कर पाना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, आपको मैंने गाइड कर दिया है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मेन प्रायोरिटी क्या है, डिस्प्ले है, कैमरा।